हेलो फ्रेंड, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो जैसा कि सुबह हो चुकी है, तो ये देखें सारे काफले जो हैं, सारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं। तो आर्मी भी वो देखें हमारे साथ साथ है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है इधर बलोची जो हैं वो शियों के साथ ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो ये देखें साथ ही हमारे बिल्कुल पहाड़ी हैं, ये देखें। तो गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, तो थोड़ा सा स्टे मिला हुआ है, तो मिलते हैं फिर तफ्तान जा के आपसे। तो अभी तफ्तान रह गया तकरीबन 8-9 घंटों का सफ़र रह गया, तो अभी चलते हैं उधर, तो उधर जा के आपसे मिलते हैं। Two hours later. तो लें जी, ये हैं बलोचियों के घर, वो देखें छोटे छोटे घर हैं। तो तकरीबन मैं कहता हूँ एक ईंट भी नहीं लगी हुई इनके घरों में, सारे ही मिट्टी के हैं, टोटली मिट्टी के घर हैं। तो इनकी मुझे एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि इन्होंने जहाँ अपने घर बनाए हुए हैं ना, उधर ही नज़दीक ही कम अज़ कम 8 से 10 घर छोड़ के ना इनकी एक मस्जिद होती है। तकरीबन इनके इलाके में बहुत ज़्यादा मस्जिदें होती हैं। Two hours later. तो लें जी गाइस, तो तफ्तान की पहली जो छोनी है वो आ चुकी है, ये चेक करें, दूर दूर तक इधर ना बंदा ना बंदे की दात है, सिर्फ आर्मी है। तो अभी तकरीबन रहता है तकरीबन 3 घंटों का सफ़र आगे अभी रहता है, जो मेन है ना जगह जहां हमने तफ्तान से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना है, वो भी आ गया बहुत ज़्यादा। तो लें जी गाइस, तो अभी ये देखिए तफ्तान की दूसरी छोनी आ चुकी है, ये देखिए इधर आर्मी वगैरह भी उन्हें खड़ी की हुई है। तो अभी बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं यार, इतना लंबा सफ़र, मैं कहता हूँ टांगों का कोई हाल नहीं है। तो अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र रहता है। तो लें जी गाइस, तो ये है जी टैंकर वगैरह खड़े हैं, ये ईरान की तरफ से तेल आता है जो इधर क्वेटा बलूचिस्तान और साथ जो है डिफरेंट जगह पे जाके इंपोर्ट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा देखे दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, टैंकर पे टैंकर नज़र आ रहा होगा। तो अभी तकरीबन हम थोड़ी देरी रह गई है, 10 मिनट का सफ़र है। तो ये तफ्तान सिटी है, तो इसके साथ ही है बिल्कुल बॉर्डर जहाँ से हमने ईरान में एंटर होना है। तो ये आप तफ्तान सिटी देख सकते हैं। तो लें जी गाइस, तो ये देखें ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान, देखें कितना सिंपल सा ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन हमारे उधर पंजाब में। तो ये देखें जी आर्मी हमारे साथ साथ बिल्कुल आई है, उधर से जहाँ से हम बैठे थे वहाँ से आर्मी हमारे साथ साथ बिल्कुल आई है। तो ये है जी आर्मी का स्पोर्ट कम्प्लेक्स, इधर से आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा, दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी स्पोर्ट कम्प्लेक्स, तो इधर आर्मी के मैचेस होते हैं। तो बकाया देखें ये, वो देखें दूर दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हमने भी अभी उस तरफ ही जाना है। तो देखिए रश कितना है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक गाड़ी आगे जा रही है, चेकिंग हो रही है। तो अभी चलते हैं फिर, वो है जी आर्मी जो हमारे साथ बिल्कुल आई है, अभी वो साइड में होने। तो नहीं जी, अभी हमारे पासपोर्ट की भी चेकिंग होने लगी है, ये देखिए सारे पासपोर्ट वगैरह अपने निकाल रहे हैं और अपने सलार को दे रहे हैं, वो सलार भी इकट्ठे कर रहा है पासपोर्ट वगैरह। तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं, तो ये आप लोग रश चेक करें कितना ज़्यादा रश है अंदर, इससे भी ज़्यादा रश है बाहर, तो ये थोड़ा सा है ना। तो अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। 10 seconds later. तो ये हमने चावल वगैरह लिए हैं, चने वाले और साथ ड्यू कटिंग पैक। अभी खाना वगैरह खा के हम इधर आ चुके हैं, तो सारे इधर बैठे हुए हैं, ये देखें, और जिन्होंने खाना खाना है वो खा रहे हैं। तो अभी तकरीबन 2-1.5-2 घंटा लग जाना है हमें चलने में आगे ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने में। तो
अभी पता चल रहा है कि थोड़ी सी हिम्मत आई है, नहीं तो पहले तो तकरीबन 16 घंटे का सफ़र किया है। तो बकाया ये देखे कैसे कितनी दुनिया, तो कितनी पता नहीं चले भी गई है आगे की तरफ। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो हम भी इंशाल्लाह जाएंगे ईरान की तरफ, तो फिर तब आपसे मिलेंगे। हेलो फ्रेंड, तो अभी देखें शाम भी हो रही है, तो देखें अभी भी गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, ये चेक करें कितना ज़्यादा रश हो गया। तो अभी हमें भी कोई पता नहीं कि हमें रात इधर ही गुजारनी पड़े या 10 11 12 बजे भी हम इधर से निकल सकते हैं। तो अभी देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं इधर, तो हमारे पासपोर्ट वगैरह चले गए हैं आगे, वो जब वो स्टैंप ला के आएंगे तब हमने निकलना है। तो अभी हम इधर बैठे हुए हैं तूफान बॉर्डर पे, तो आगे ईरान का बॉर्डर हमने निकल जाना है, तो फिर ईरान में हमें एंटर हो जाना है। तो बताया देखते हैं कब निकलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि सुबह हो चुकी है, तो हम भी फेस वगैरह धो के तो नाश्ता करके बैठ चुके हैं। तो इधर देखें काफले पे काफले जा रहे हैं, तो तकरीबन दो काफले और जाने हैं, फिर हमने भी गुजर जाना है। तो इधर मैं करने लगा हूँ व्लॉग को एंड, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो बकाया जिसमें हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे ईरान का और तूफान का, तो वो वीडियो अलग होगी। तो मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।